कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। बुद्धिमान मुखिया। एक गांव में हरिराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो गांव का मुखिया था। उस गांव के निवासी उसका बहुत आदर करते थे। मुखिया होने के कारण गांव में किसी भी प्रकार की समस्या के परिहार के लिए सभी उसी के पास आते थे। वो भी समस्या का उचित समाधान करके सभी को संतुष्ट करता था। हरिराम के दो पुत्र थे। बड़े का नाम था कुमार और छोटे का नाम था कृष्ण। हरिराम दोनों बेटों को सदैव यही शिक्षा देता कि जीवन में ईमानदारी, परिश्रम और समझदारी से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण अपना अधिकतर समय अपने पिता के साथ काम करते हुए व्यतीत करता था। अंततः आयु में छोटा होने पर भी वह अनुभव और बुद्धि में कुमार से एक कदम आगे ही था। उसके विपरीत कुमार का मानना था कि जीवन तो एक ही बार मिलता है, उसमें खूब मौज मस्ती करके सुख से दिन व्यतीत करने चाहिए। संघर्ष, परिश्रम और ईमानदारी इत्यादि उसे किताबी बातें लगती थी। वो जीवन में इनका बिल्कुल भी पालन नहीं करता था। उनके परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था, किंतु एक रात भोजन करते हुए हरिराम को दिल का दौरा पड़ा। परिवार के लोग शीघ्र ही उसे अस्पताल लेकर गए, किंतु उसे बचा नहीं सके। उसकी मृत्यु के कारण परिवार के लोग तथा गांववासी सभी बहुत दुखी हो गए। सभी को उसका बहुत सहारा था। उसके चले जाने से गांववासी ऐसा अनुभव कर रहे थे जैसे कि उनका ही कोई अपना चला गया हो। इसी तरह एक महीना व्यतीत हो गया। अब सभी को चिंता सताने लगी कि गांव का निर्णय कौन करेगा, कौन हरिराम की तरह संघर्षशील, परिश्रमी, कुशल और न्यायवादी होगा। उस गांव में एक सामान्य नियम था कि जो मुखिया होता था, यदि उसके परिवार में कोई अनुभवी, योग्य और नेतृत्व कुशल व्यक्ति हो तो अगले मुखिया के रूप में उसी की नियुक्ति कर दी जाती थी। परिवार में ऐसा कोई न हो तो सर्वसहमति से किसी अन्य योग्य व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त कर दिया जाता था। गांव के सभी ज्येष्ठ जनों ने मिलकर आपस में एक बैठक की तथा मुखिया के नाम का चुनाव कर लिया। चुनाव के उपरांत गांव में सभी जगह सूचना दे दी गई कि सभी अगले सप्ताह एक निश्चित स्थान पर परिणाम जानने के लिए एकत्र हो जाए। सभी सामान्य गांव निवासी निर्णय जानने के लिए उत्सुक थे कि अगला मुखिया कौन होगा। जिस दिन निर्णय होना था वह समय भी आ गया। निर्णय स्थल पर हरिराम के दोनों पुत्र भी थे। बड़े पुत्र कुमार को पूरा विश्वास था कि मेरा चयन होगा, क्योंकि मैं ही घर का बड़ा पुत्र हूँ। सभी गांव वासियों और छोटे पुत्र कृष्ण को गांव के ज्येष्ठ जनों पर पूर्ण विश्वास था। वे सभी उस बात को भली भांति ही जानते थे कि जो भी निर्णय उनके द्वारा लिया गया होगा वो सभी के हित कर होगा। निर्णय कमंडल में से एक ज्येष्ठ ने उठकर निर्णय सुनाते हुए कहा, सभी के विचार विमर्श द्वारा एकमत से ये निर्णय लिया गया है कि गांव का अगला मुखिया कृष्ण बने, क्योंकि कृष्ण बहुत ही ईमानदार, परिश्रमी और बुद्धिमान है। इस बात को सुनकर सभी गांववासियों ने निर्णय का प्रसन्नता से स्वागत किया। केवल कुमार ही उस निर्णय को सुनकर अंदर ही अंदर दुखी होकर सोचने लगा कि बड़ा होने पर भी उसका चयन नहीं किया गया। सभी अपने अपने घर चले गए। इसी तरह दो तीन महीने बीत गए। एक दिन उस गांव में दो महिलाओं के बीच परस्पर विवाद हो गया। उनके परिवार के लोग कृष्ण के घर झगड़ा सुलझाने गए। कृष्ण ने उन दोनों पक्षों की बातें बड़े ध्यान से सुनी। उसी समय जब निर्णय देने की बात आई तो पूरी बात सुने बिना ही कुमार उठकर बीच में बोलने लगा। तभी निर्णय सुनाने आए लोगों में से कुछ ने बोलना शुरू कर दिया कि गांव का मुखिया कृष्ण है, न कि तुम। ये बात सुनकर कुमार को बहुत क्रोध आया, पर सभी को देखकर वो चुप हो गया। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन कुमार कहीं जा रहा था, तभी उसे वहाँ पर वही महिला मिली जो उस विवाद में पराजित हुई थी। अपने विरुद्ध दिए गए निर्णय के कारण वो कृष्ण के प्रति ईर्ष्या से भरी हुई थी। वो महिला बहुत दुष्ट थी। कुमार को देखकर उसने मन ही मन सोचा, आज अपना प्रतिशोध लेने का समय आ गया है। ये सोचकर वो कुमार के पास जाकर उसकी प्रशंसा करते हुए कहने लगी, अरे कुमार, तुम तो बहुत सज्जन और भोले हो, पर तुम्हारा भाई तो मुखिया बनते ही बहुत घमंडी हो गया है। वो तुमसे आयु में छोटा है, फिर भी पूरे गांव को अपने इशारों पे चलाता है। सभी उसकी बातें मानते हैं। उसके कारण तुम्हारा महत्व लोगों को समझ ही नहीं आता है। गांव के लोगों को न जाने क्या हो गया है कि हरिराम के बड़े बेटे को बोलने का मौका ही नहीं देते। मुझसे तो तुम्हारा ये अपमान सहा नहीं जाता। न जाने तुम उस घर में कैसे रहते हो।
ये सब सुनकर कुमार आग बबूला हो गया और घर की तरफ लौट आया। उस महिला के वचन उसके दिमाग में घर कर गए। इससे पहले घर में यदि कृष्ण कुछ परामर्श देता था तो कुमार सहर्ष उसे स्वीकार कर लेता था, किंतु अब बात बात पर वो कृष्ण का अनादर करने लगा। परिवार के अन्य लोग कुमार के इस बदले व्यवहार से बहुत खिन्न हो रहे थे, किंतु उसके आगे कोई नहीं बोलता। प्रतिदिन घर में कहल होने लगी। ये सब देखकर उनकी माँ ने दोनों को अपने पास बिठाया और कुमार को समझाने लगी। इससे भड़क कर वो घर छोड़कर बाहर किसी दूसरे जगह नौकरी के लिए जाने लगा। सबने रोकने का प्रयत्न किया, परंतु उसने किसी की एक न सुनी। कुमार किसी दूसरे गांव में नौकरी के लिए एक धनिक सेठ के घर पहुंच गया। वो सेठ बहुत ही धूर्त, चतुर और कंजूस था। जब कुमार ने उसे नौकरी के लिए प्रार्थना की तो सेठ ने कहा, नौकरी तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, किंतु मेरे दो सामान्य से नियम हैं, जिनका पालन तुम्हें करना पड़ेगा। पहला नियम है कि जो कार्य जिस समय कहा जाए उसी समय करना होगा, तथा दूसरा नियम यह है कि मेरी किसी बात पर तुम्हें क्रोध नहीं करना है। यदि तुमने क्रोध किया तो मैं तुम्हारी नाक काटकर तुमसे अपना संपूर्ण धन वापस ले लूंगा। यदि तुमने इन दो नियमों का पालन करके मुझे खुश किया तो मैं तुम्हें यथेष्ट धन दूंगा। कुमार ने सब सुनने के बाद बिना विचार किए ही सहर्ष नौकरी करने के लिए हाँ कर दी। इसी तरह कुछ समय व्यतीत हो गया। धनी सेठ द्वारा दिए कार्य करके कुमार इच्छानुसार धन प्राप्त करता। एक रात को सेठ सोचने लगा, यदि इसी तरह ये कार्य करता गया तो मेरा तो सारा धन इसके पास चला जाएगा। उसने मन ही मन एक योजना बनाई। अगले ही दिन शीघ्र उठकर कुमार को अपने पास बुलाकर कहा कि आज तुम मेरे खेतों में जाकर हल जोतकर बीज बो देना। कुमार खेत में चला गया। जब उसने सेठ के बड़े बड़े खेत देखे तो उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही, किंतु उसे सेठ की नाक काटने वाली बात याद आई। उसने जैसे कैसे भी काम किया। आज पहला दिन ऐसा था जिस दिन किसी ने उसे खाने के लिए नहीं पूछा था। घर में तो सभी उसका इतना ध्यान रखते थे, विशेषकर कृष्ण तो तब तक खाना नहीं खाता जब तक कि उसका बड़ा भाई खाना न खाए। पर अब पछताने से क्या हो सकता था, वो चुपचाप बिना खाना खाए ही सो गया। अगले दिन प्रात सेठ उसके कमरे में आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे तुम इतनी देर तक सो रहे हो, मैं तुम्हें आराम करने के पैसे नहीं देता हूँ। पास के गांव में मेरे कुछ खेत है, वहाँ भी बीज बोना है। सुबह सुबह सेठ का इस तरह चिल्लाने से कुमार को बहुत गुस्सा आ रहा था, किंतु सेठ की शर्त याद करके वो चुप रहने के लिए मजबूर था। जब वो काम पर जाने लगा तब सेठ ने आवाज दी, अरे कुमार सुन, घर लौटते समय मेरे लिए कुछ मांस मछली भी ले आना। ये सुनकर कुमार गुस्से से लाल होकर बोला, मैंने कल से खाना नहीं खाया और तुझे मांस चाहिए। धनी सेठ तो कब से इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने कुमार की नाक काट कर उसके द्वारा अजीत सारा धन वापस ले लिया। कुमार खाली हाथ दुखी होकर वहाँ से अपने घर चला गया। घर जाकर उसने सारी घटना अपने भाई को सुना दी। कृष्ण ने एक उपाय सोचा और वो धनी सेठ के घर चला गया। वहाँ जाकर उसने सेठ से कहा, जी मैंने सुना है आपको नौकर चाहिए, मैं भी आजकल काम ढूंढ रहा हूँ, क्या आप मुझे काम देंगे। सेठ ने पहले भांति ही सभी नियम समझा दिए। कृष्ण ने कहा, मुझे आपकी हर बात मान्य है, किंतु मेरा भी एक नियम है कि यदि आपने क्रोध किया तो मैं आपकी नाक काट दूंगा। अहंकारी धनी सेठ ने उसका यह नियम आराम से मान लिया। कृष्ण ने कार्य करना आरंभ किया, वह खुशी खुशी सभी कार्य करता। एक दिन सेठ ने उसे भी कुमार की भांति तंग करने की योजना बनाई। उसने प्रात ही कृष्ण को उठाकर खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। साथ में कृष्ण को मांस भी लाने को कहा। कृष्ण ने झट से हाँ कर दी। वो सेठ के कुत्ते को, जिसका नाम चंदर था, उसको भी अपने साथ ले गया। कृष्ण ने आधा अधूरा काम कर दिया और दोपहर में ही घर जाकर आराम करने लगा। सेठ ने जब उसे देखा तो उसे संदेह हुआ कि इतने जल्दी कृष्ण ने काम कैसे खत्म कर लिए। सेठ काम देखने के लिए खेत में चला गया। जब उसने आधा अधूरा काम देखा तो उसे बहुत क्रोध आया, किंतु अब उसे कृष्ण की शर्त याद आ गई। उसके बाद रात को सेठ खाना खाने बैठा तो उसने पूछा, क्या तुम मांस ले आए हो। कृष्ण ने खुशी से हाँ में उत्तर दिया और उसे पकड़ा दिया। सेठ ने भरपेट खाना खाने के बाद एक टुकड़ा हाथ में लेकर अपने कुत्ते को आवाज देना शुरू कर दी, चंदर चंदर, अरे ओ चंदर। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे चंदर तो यहाँ नहीं है, क्यों कहाँ गया मेरा चंदर। चंदर तो तेरे पेट के अंदर। क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने मेरा सबसे प्यारा कुत्ता मारकर मुझे खिला दिया। अरे क्या आप गुस्सा हो रहे हैं सेठ। हाँ हाँ कर रहा हूँ मैं गुस्सा, हो रहा हूँ मैं गुस्सा, क्या तुम्हें नहीं दिखता कि मैं गुस्सा हो रहा हूँ। इतना कहते ही
कृष्ण ने उसके नाक काट स्व अर्जित धन ले लिया और अपने घर वापिस लौट आया। घर आकर उसने कुमार को संपूर्ण बात बताई कि कैसे उसने सेठ को सबक सिखाया। अब कुमार को समझ आ गया कि मात्र आयु में बड़ा होना ही पर्याप्त नहीं, बुद्धिमान होना भी आवश्यक है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज्ञान से श्रेष्ठता होती है, आयु से नहीं। बहुत समय पहले की बात है, एक बड़ा मेहनती किसान था। उस बार उसकी फसल भी बड़ी अच्छी हुई थी। आखिरकार मेरी मेहनत सफल हुई। उसने शहर की मंडी में काफी अच्छे मुनाफे से फसल बेची। 300 सोने की मुहरे, इस मोटी रकम के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा। घर आकर उसने धन जमीन में गाड़ दिया। बस अब इसे कोई नहीं चुरा सकता। कुछ दिन बाद 300 ही थी या ज्यादा, एक बार फिर से गिन के देखता हूँ। उसने दरवाजा बंद कर सौकल लगा दी। अब कौन आ टपका, मोहरे छिपा देनी चाहिए। उसने जल्दी से मोहरे थैली में भर दी। हे भगवान, कहाँ छिपा हुई इस थैली को, ये पतीला ठीक रहेगा। दरवाजे पर उसका मित्र खड़ा था। अरे दोस्त, मैं बाजार जा रहा था, सोचा शायद तुम्हें भी चलना होगा। हाँ हाँ चलो। इतने में उसकी पत्नी भी आ गई। भाग्यवान, मैं दोपहर तक आ जाऊंगा, खाना तैयार रखना। जल्दी में वह मोरों वाली थैली की बात भूल ही गया। उसकी पत्नी रसोई में आई तो, घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है, मुझे पहले पानी लाना चाहिए। उसने एक पतीला उठाया, नदी की ओर जा ही रही थी कि अचानक उसे ख्याल आया। वो लौटने पर घर सुना पाएंगे तो चिढ़ेंगे। वाह, कसाई आ रहा है, बेचारा हमेशा मदद करता है। भैया थोड़ा पानी ला दोगे? जरूर ला दूंगा बहन, लाओ पतीला, तुम घर जाओ, मैं पानी लेकर आता हूँ। नदी की ओर जाते समय उसे पतीले में कुछ आवाज सुनाई दी। क्या है इस पतीले में? अरे थैली, इतने सारे सोने की मुहरे, मेरी तो किस्मत खुल गई। वो पानी की बात भूल ही गया और शहर की ओर भागा। आज तो मैं अपने दोस्तों को दावत दूंगा दावत। बाजार जाकर उसने एक तगड़ा बकरा खरीदा और लौटते समय, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, थैली पर किसकी नजर पड़ गई तो, इसे तुरंत छुपा देना चाहिए, लेकिन छुपाऊ कहाँ। अरे हाँ, बकरे के पेट से बेहतर जगह क्या हो सकती है भला। उसने वो सारी सोने की मोरे बकरे को जबरदस्ती खिला दी। थोड़ा आगे जाने पर उसे अपना बेटा मिला। मुझे शहर में कुछ काम है, तुम इस बकरे को लेकर घर जाओ। ठीक है बापू। दो मुहरों में खरीदा है, संभाल कर लेकर जाना इसे। हाँ बापू। रास्ते में लड़की को किसान और उसका मित्र मिले। बड़ा तगड़ा बकरा है, क्या तुम इसे बेचोगे? पहले दाम कितना दोगे बताओ। मैं इस बकरे के तुम्हें 3 मोहरे दे सकता हूँ। ठीक है ले लो। वाह वाह, आज बड़ा अच्छा सौदा रहा है, इस सौदे से तो बापू बड़ा खुश होगा, एक मुहर का फायदा जो हो गया। इधर किसान जब बकरे को लेकर घर लौटा, कितना तगड़ा बकरा है। हाँ दोस्तों को दावत दूंगा, तुम इसे पीछे आंगन में बांध दो। और जैसे ही किसान घर में घुसा तो, अरे मेरा पतीला कहाँ गया, मैंने पतीला यहाँ रखा था, क्या किया तुमने उसके साथ? कसाई को पानी लाने के लिए दिया था, लेकिन वो अभी तक आया ही नहीं। अरे भाग्यवान, वो कभी अब आएगा भी नहीं, पतीले में सोने की मुहरों वाली थैली थी। हाय राम, मुझे बताया क्यों नहीं आपने? हे भगवान, मेरे खून पसीने की कमाई लुट गई। जी आप दिल छोटा मत कीजिए, हमारी ईमान की कमाई कोई नहीं छीन सकता। ठीक कहती हो, चलो बकरे की बलि देकर भगवान से न्याय की दुआ मांगते हैं। दूसरे ही पल वह रसोई में दौड़ता हुआ आया। बड़े खुश हो, क्या माजरा है? मेरी मुहरों वाली थैली, मेरा धन बकरे के पेट में मिल गया। लेकिन वो वहाँ कैसे पहुँची? कसाई ने ही ठूसा होगा, उसी के बेटे से बकरा खरीदा है मैंने, अच्छा सबक मिला है उसे, अब धन हमेशा मैं अपने पास ही रखूंगा। दूसरे दिन किसी काम से किसान को शहर जाना था। लौटते समय, कितनी गर्मी है, पानी में गोता लगा लेता हूँ, मजा आ जाएगा। अपने कपड़े और थैली वही किनारे पे रखकर वो नदी में उतर गया। उधर से गुजरते हुए एक चरवाहा की निगाह थैली पर पड़ी। अरे सोने की मुहरे, मेरी तो किस्मत खुल गई। और वो थैली लेकर चला गया। रास्ते में, लगता है कोई आ रहा है, जरूर मेरी थैली छीन लेगा, मुझे इसे कहीं छुपा देना चाहिए। उसने थैली कुएं में फेंक दी। इसे बाद में आकर ले जाऊंगा। इधर किसान तरोताजा होकर बाहर निकला। हाँ मजा आ गया,
अब जल्दी घर चलना चाहिए। अरे मेरी मुहरों वाली थैली कहाँ गई? हे भगवान, मैंने फिर से धन गवा दिया। शोकाकुल किसान घर लौट रहा था कि आंधी आई। अरे मेरी पगड़ी! पगड़ी के पीछे भागता किसान कुएं के पास आ गया और पैर फिसल कर कुएं में गिर गया। बचाओ बचाओ, मेरा धन मुझे फिर मिल गया। वो कुएं से बाहर आया और घर पहुंचा। दूसरे दिन किसान और चरवाहे की भेंट गांव के बाजार में हुई। बड़े दुखी हो भाई, क्या हुआ? मैंने सोने के सिक्कों की थैली एक कुएं में छुपाई थी, अब जाकर देखा तो गायब है। मतलब वो थैली मेरी नहीं थी। तुम्हारी थैली सुरक्षित है भाई, मैंने समझा नदी किनारे खोई मेरी थैली है। आओ तुम्हारा धन तुम्हें दे दूं। घर जाकर किसान ने मुहरों वाली थैली उसे दे दी। भगवान करे तुम्हारी थैली भी तुम्हें जल्द मिल जाए। जब चरवाहा घर की ओर जा रहा था। कैसा मूर्ख है, अपनी थैली भी नहीं पहचानता। चरवाहा घर पहुंचकर, मेरे खोखले डंडे में ये मुहरें सुरक्षित रहेंगी। चरवाहा सारी सोने की मुहरें उस खोखले डंडे में डाल देता है और दूसरे दिन नदी किनारे टहलते समय वो फिसल गया और डंडा भी पानी में जा गिरा। इसके पहले कि वो डंडा पकड़े, एक जबरदस्त लहर उस डंडे को बहा ले गई। दूसरे किनारे पर किसान नहा रहा था, तभी उसे वो डंडा उसकी ओर आता दिखाई दिया। बड़ा अच्छा डंडा है, चलो इसे घर ले चलता हूँ, काम आएगा। किसान वो डंडा लेकर जब घर आया, जलाने के लिए लकड़ी ही नहीं है। आज ही ये डंडा मिला है, अभी का काम चलाने के लिए इसे ही काट देता हूँ। अरे मेरी मुहरे! मैंने 3 बार मेरी मुहरे खोई और 3 बार मुझे मेरी मुहरे वापस मिल गई। ये सब भगवान की दया है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी की कमाई कभी कोई छीन नहीं सकता। भगवान तुम्हें वो हर हाल में वापस दे देता है।